राधे राधे आप सभी को। आज हम बनाना सीखेंगे लौकी की बर्फ़ी, वो भी बिल्कुल हलवाई जैसी। ये देखिए, एकदम सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी। तो सबसे पहले उसके लिए हम लेंगे लौकी पिसी हुई, ये मैंने पीस ली है मिक्सी में, और मिल्क पाउडर, थोड़ी सी चीनी। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने लौकी ले ली है और इसे हम भून लेंगे हल्का सा घी डाल के। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उस कढ़ाई में इस लौकी को डाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे, घी ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस थोड़ा सा इसे, जिससे कि हल्का सा भून जाए। अब इसे हम हल्का सा भून देंगे। लौकी पिसी हुई की बर्फ़ी बहुत ही जल्दी बनती है, तो इसलिए मैंने लौकी पीस ली है। अब ये हल्का सा घी में चलाते हुए भून लेंगे। ये देखिए, ये अब हमारे लौकी से पानी ख़त्म सा हो गया है। ये देखिए, अब ये बहुत ही बढ़िया हो गया है। अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। तो जितना हमने लौकी ली थी जिस बाउल से, उसी बाउल को एक बाउल हम चीनी ऐड कर देंगे। आपको कम या ज़्यादा खानी है तो आप उसी हिसाब से ऐड कर दीजिए। ये मैंने एक बाउल लौकी में एक बाउल चीनी डाली है। तो ये देखिए, ये मैंने ऐड कर दिए। अब इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये पूरी चीनी थोड़ी ही देर में पिघल जाएगी और इसका भी पानी बन जाएगा। तो इसमें पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ये चीनी खुद ही अपना पानी छोड़ देगी। थोड़ा सा हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, इलायची से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। कोई भी मिठाई हो उसमें आप इलायची ऐड कर दीजिए तो उसका अलग ही फ्लेवर आता है। ये अब हमारी इलायची अच्छे से मिक्स हो गई है, इलायची की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए, ये अब चलाते हुए धीरे धीरे ऐसे ही हम इसको चलाते रहेंगे। एक छोटी सी मैंने ये थाल ले ली है, इसमें मैंने ये देखिए घी लगाकर पहले ही रख दी है, क्योंकि बाद में हमें टाइम नहीं मिलेगा। जब हमारी मिठाई तैयार होने वाली होती है तो उसमें टाइम कम मिलता है। आप देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है। ये देखिए, अभी इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। अब इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। ये देखिए, मिल्क पाउडर आपको तब ऐड करना है जब ये बिल्कुल आपको लगना लगे कि सूखा हो गया है, कढ़ाई के साथ से अच्छे से छूटने लगा है। तो इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर डालने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चलाना है, बस ये देख लेना है कि हाँ, ये थोड़ा टाइट होने लगा है और हमें लगने लगेगा कढ़ाई में कि हाँ, ये अब अच्छे से इसके पीस जम जाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने एक छोटी कटोरी मिल्क पाउडर लिया था, बहुत ज़्यादा मिल्क पाउडर नहीं डालना है, छोटी कटोरी से ही, क्योंकि लौकी का अपना अलग फ्लेवर आना चाहिए। तो इसलिए इसमें मावा भी, अगर आप मावा डालें तो मावा भी बहुत ही कम डालते हैं। ये देखिए, ये हमारी लौकी की बर्फ़ी तैयार होने वाली है। अब देख लेंगे, ये कढ़ाई से जैसे कि दिख रही है अच्छे से छूटने लगी है, तो अब हम इसे अच्छे से घोट लेंगे। ये देखिए, इसे अच्छे से चलाते हुए ऐसे मिक्स करते रहेंगे। इसे आप जितना अच्छे से मिक्स करके घोटेंगे उतना ही इसका टेक्सचर मुलायम हो जाएगा, बहुत ही अच्छी ये जमने में आएगी। ये देखिए, अब ये लगने लगा है कि हाँ, ये जम जाएगी। जब आपको लगने लगे कि ये जम जाएगी तो इसे थाल में निकाल लेते हैं। ये देखिए, थाल में निकाल लेते हैं हम। ये मैंने थाल में निकाल लिया। अब ये देखिए कितनी अच्छा कलर आया है इसका, और कितना अच्छा लग रहा है कि हाँ, ये थोड़ी देर में जम जाएगी। अब इसे ठंडी होने के लिए हम एक साइड रख देंगे, इसके ठंडे होने का वेट कीजिए। अब ये देखिए, ये ठंडी हो गई है
और बहुत ही अच्छी ये तैयार हुई है बनके। ये देखिए अब मैं इसके पीस का निकाल देती हूँ, पीस कट कर दी, पीस आप अपने हिसाब से कट कर लीजिए जैसे आपको पसंद हो। ये देखिए ये बिल्कुल एकदम हलवाई जैसी जमी है। ये देखिए पीस भी बिल्कुल मैंने मार्केट जैसे ही कट किए हैं। तो ये देखिए ये सॉफ्ट और टेस्टी मिठाई तैयार है। ये सिर्फ 10 से 15 मिनट में बन जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ये बहुत ही टेस्टी होती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।